तीन राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो सकता है। तीनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा, लेकिन तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। बता दें, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। वहीं बात करें अगर पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहां आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। मेघालय में 60 सदस्यीय 9वीं विधानसभा का गठन 1 मार्च 2013 को हुआ था और इसका कार्यकाल 6 मार्च 2018 को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी के लिए भी इन राज्यों का चुनाव एक कड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। वहीं बीजेपी के एजेंडे में भी नॉर्थ ईस्ट काफी ऊपर है। बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही है कि ज्यादा तादाद में इन इलाकों से सीट जीते जाए। फिलहाल असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। पार्टी को लगता है कि बाकी राज्यों में भी अगर उसकी सरकार बन जाए तो लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा फायदा मिलेगा।